हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशंस की सीरीज स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू एंटी मेटाबोलाइट्स, देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, देन माइटोटिक इनहिबिटर्स, टोपोइसोमरेज इनहिबिटर्स एंड अदर्स। इनमें से एंटी मेटाबोलाइट्स में आते हैं मेथोट्रिक्सेट, अजाथियोप्रिन, फ्लुडाराबिन, देन 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, साइटाराबिन एंड 5 फ्लूरोयूरासिल। एंड इनमें से मेथोट्रिक्सेट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में मेथोट्रिक्सेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेथोट्रिक्सेट आता है एंटी मेटाबोलाइट्स के फॉलेट एंटागोनिस्ट क्लास में। ये होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? तो इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। मेथोट्रिक्सेट होता है डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ये होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। सो फॉलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय मेथोट्रिक्सेट। देन मेथोट्रिक्सेट हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ, सो इट इज फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमैटिज्म। ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होता है फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमैटिज्म बिकॉज इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ। देन विच ड्रग्स शुड नेवर बी यूज्ड विथ मेथोट्रिक्सेट? तो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स एनहांस करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रिक्सेट, सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स शुड नेवर बी यूज्ड विथ मेथोट्रिक्सेट। ये एनहांस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रिक्सेट। कैसे कराते हैं ये टॉक्सिसिटी एनहांस? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। देन ये अजाथियोप्रिन, फ्लुडाराबिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, ये होते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। अजाथियोप्रिन, फ्लुडाराबिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन एंड 6 थायोगुआनिन किस में आते हैं? प्यूरिन एंटागोनिस्ट में। देन विच एंटी कैंसर ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine oxidase? तो ये होते हैं अजाथियोप्रिन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। अजाथियोप्रिन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine oxidase। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है अजाथियोप्रिन में? तो इसमें होती है इमिडाजोल रिंग। देन साइटाराबिन एंड 5 फ्लूरोयूरासिल आते हैं पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में। इनमें से 5 फ्लूरोयूरासिल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। ये इनिबिट कराता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। देन साइटाराबिन होता है साइटोसाइन अराबिनोसाइड एंड ये होता है नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटाराबिन इज ए नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है। तो हमने देखा एंटी मेटाबोलाइट्स में आते हैं फॉलेट एंटागोनिस्ट, इसमें आता है मेथोट्रिक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आते हैं अजाथियोप्रिन, फ्लुडाराबिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन एंड पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आते हैं साइटाराबिन एंड 5 फ्लूरोयूरासिल। ठीक है। देन आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इनमें आता है क्लोराम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, मेल्फालन, कार्मूस्टीन, लोमुस्टीन, थियोटेपा, बुसल्फान, डकैरबाजिन एंड सिस्प्लाटिन। ये सिस्प्लाटिन तो होता है मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग्स में, बट इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है। देन इसकी होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। विच एंटी कैंसर ड्रग हैज़ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होता है सिस्प्लाटिन। देन मोस्ट नेप्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लाटिन। देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स में ये जो क्लोराम्ब्यूसिल, देन साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, मेल्फेलन, ये आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है क्लोराम्ब्यूसिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड एंड मेल्फेलन। देन कार्मुस्टीन एंड लोमुस्टीन आता है नाइट्रोसोयूरियाज में। एंड एंटी कैंसर ड्रग्स दैट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। इनमें आता है कार्मुस्टीन एंड लोमुस्टीन। ये थियोटेपा आता है इथिलेनिमाइन में। बुसल्फान होता है अल्काइल सल्फोनेट। देन डकैरबाजिन होता है ट्रायाजिन एंड सिस्प्लाटिन हैज़ मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच अल्काइलेटिंग एजेंट इज ए अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड? इनमें से कौन सा होता है अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड? तो ये होता है क्लोराम्ब्यूसिल। क्लोराम्ब्यूसिल इज ए अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। देन साइक्लोफॉस्फामाइड के एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आता है एक्यूट हेमरेज, सिस्टाइटिस, बोन मैरो डिप्रेशन, देन एमनोरिया, हेमोरेजिक डिस्ट्रेस, ये सभी होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। देन नेक्स्ट क्लास आएगा एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स का। इसमें आता है डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, देन माइटोमाइसिन सी, डैक्टिनोमाइसिन एंड मिथोजैंथ्रॉन, ये सभी है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। एंड ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। इनमें से ये डॉक्सोरूबिसिन होता है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन होती है कार्डियोमायोपैथी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, डॉक्सोरूबिसिन। द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। देन ये ब्लियोमाइसिन होता है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। इस पे क्वेश्चन आएगा एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड, तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, ठीक है। देन इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके माइटोटिक इनिबिटर्स, डोसेटैक्सेल, पैक्लिटैक्सेल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेलबिन, माइटोटिक इनिबिटर्स। इनमें से डोसेटैक्सेल एंड पैक्लिटैक्सेल आते हैं टैक्सन्स में, ये होते हैं एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये एनहेंस करते हैं ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डोसेटैक्सेल एंड पैक्लिटैक्सेल, ठीक है। देन विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेलबिन, विनका एल्कलॉइड्स होते हैं एंड विनका एल्कलॉइड्स इनिबिट कराते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। इनका होता है अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू टैक्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टोपोइसोमरेज इनिबिटर्स। क्या आता है इनमें, इरिनोटेकैन, टोपोटेकैन, इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड, ये होते हैं टोपोइसोमरेज इनिबिटर। इनमें से ये इरिनोटेकन एंड टोपोटेकन ये होते हैं कैप्टोथेसिन एनालॉग्स। ये इटोपोसाइड होता है इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, ये होता है टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर एंड ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इटोपोसाइड होता है टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर एंड इट इंक्रीजेस डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके अदर्स मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग्स। क्या आएगा इसमें, एस्पर्जिनेज, हाइड्रोक्सी यूरिया, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, टैमोक्सीफेन, टोरेमीफेन, देन फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, प्रेडनिसोलोन, नाफारेलिन, फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड। इनमें से प्रोकार्बाजिन पे क्वेश्चन आएगा। प्रोकार्बाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज, प्रोकार्बाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज। देन सिस्प्लाटिन हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट, विच ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी, सिस्प्लाटिन। मोस्ट नेप्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लाटिन। देन टैमोक्सीफेन एंड टोरेमीफेन ये होते हैं सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इस पे क्वेश्चन आता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ये होता है टैमोक्सीफेन। टैमोक्सीफेन इज ए पोटेंट ईस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। देन फिनास्टेराइड एंड डूटास्टेराइड ये होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स। देन लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल एरोमेटाइज इनिबिटर्स होते हैं। प्रेडनिसोलोन आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है प्रेडनिसोलोन। देन प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय प्रेडनिसोलोन। नाफारेलिन क्या होता है, तो ये होता है GnRH एनालॉग, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है नाफारेलिन। देन फ्लूटामाइड एंड बाइकैल्यूटामाइड ये होते हैं एंटी एंड्रोजेंस। देन हमने हार्मोन्स चैप्टर पे एक क्वेश्चन देखा था, सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स इन मेन आर एलिवेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ, कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स इन मेल्स, तो ये होता है फ्लूटामाइड। फ्लूटामाइड कैन इंक्रीजेस लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स। हॉर्मोन्स में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स इन मेन आर एलिवेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ फ्लूटामाइड, ठीक है। अभी हम देखेंगे एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के ऊपर अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस एंड सम एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन कैंसर इज सिस्प्लाटिन, विनब्लास्टिन, मर्कैप्टोप्यूरिन, ब्लियोमाइसिन, तो एंटी मेटाबोलाइट्स में हमने देखा था मेथोट्रेक्सेट, देन अजाथियोप्रीन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, साइटाराबीन, देन 5 फ्लूरोयूरासिल। क्या है ऑप्शन में? तो मर्कैप्टोप्यूरिन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड और क्या देखा था मर्कैप्टोप्यूरिन के बारे में? तो मर्कैप्टोप्यूरिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine oxidase। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन से ड्रग की होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होती है सिस्प्लाटिन की। सिस्प्लाटिन हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। देन विच इज़ द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग? तो ये भी होता है सिस्प्लाटिन। देन विनब्लास्टिन आता है विनका एल्कोलाइड्स में, यह आता है माइटोटिक इनिबिटर्स में, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे दी एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड। इनमें से कौन सा है पेप्टाइड? तो ये हमने देखा था ब्लियोमाइसिन के बारे में। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। देन इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या देखा था? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग इज ए डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर? मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफोस्फामाइड, विनक्रिस्टिन, सिस्प्लाटिन। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर किसके बारे में डिस्कस किया था? मेथोट्रेक्सेट के बारे में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोलेट एंटागोनिस्ट? मेथोट्रेक्सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग? तो ये भी होता है मेथोट्रेक्सेट। देन फोलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय मेथोट्रेक्सेट। फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म? मेथोट्रेक्सेट। क्यों इसे यूज करते हैं फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म? तो इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ। एंड ये आता है एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में, ठीक है। साइक्लोफोस्फामाइड क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या देखा था? तो बोन मैरो डिप्रेशन होता है, हेमोरेजिक डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड होता है, माइटोटिक इनिबिटर होता है, ये इनिबिट कराता है माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है सिस्प्लाटिन, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कोबालामाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था मेथोट्रेक्सेट होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट, टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड एंड फॉलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय मेथोट्रेक्सेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग्स एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट? कौन से ड्रग एनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट? तो ये होते हैं एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स। कैसे कराते हैं टॉक्सिसिटी एनहेंस? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये मेथोट्रेक्सेट के रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिक्रीज कराते हैं एंड एनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। So aspirin and sulfonamide should never be used concurrently with methotrexate. Next question, the anti-neoplastic drug containing pyrimidine nucleus, fluorouracil, etoposide, cisplatin, mitomycin. तो pyrimidine antagonist में हमने क्या देखा था? तो anti metabolite class में एक तो हमने देखा था folate antagonist, इसमें आता है methotrexate। देन प्यूरिन एंटागोनिस्ट में हमने देखे थे अजाथियोप्रीन, फ्लुडाराबीन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन। एंड पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में हमने देखा था 5 फ्लूरोयूरासिल एंड साइटाराबिन। तो इनमें से पायरिमिडिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग हो जाएगा फ्लूरोयूरासिल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आता है फ्लूरोयूरासिल एंड साइटाराबिन। अभी आप मुझे बताएंगे फ्लूरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूरोयूरासिल। इटोपोसाइड क्या है? टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर होता है, ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2। सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम मिमेटिक एक्टिविटी, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है। माइटोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इज ब्लियोमाइसिन, टामोक्सीफेन, विनक्रिस्टिन, ब्यूसल्फान। अल्काइलेटिंग एजेंट तो अल्कलेटिंग एजेंट्स में हमने देखा था साइक्लोफोस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, आइफोस्फामाइड, मेल्फेलन, ये होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। देन नाइट्रोसोयूरियाज में हमने देखा था कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन। देन इथिलेनिमाइन में हमने देखा था थियोटेपा, अल्काइल सल्फोनेट, ब्यूसल्फान, ट्रायाजिन, डकारबेजिन। क्या है इनमें से ऑप्शन में? तो ब्यूसल्फान है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है अल्काइल सल्फोनेट एंड ये होता है अल्काइलेटिंग एजेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग इज ए ग्लाइकोपेप्टाइड। इनमें से कौन सा है ग्लाइकोपेप्टाइड? तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? तो ये होता है टैमोक्सीफेन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? टैमोक्सीफेन। ये होता है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर एंड टैमोक्सीफेन इज ए पोटेंट ईस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड होता है, माइटोटिक इनिबिटर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूरोयूरासिल इज इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, फ्लूरोयूरासिल आता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में, एंटी बेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के, एंड ये इनिबिट कराता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। देन माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को कौन इनिबिट कराएगा? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो ये होता है विनका एल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर कौन होता है? मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज, पैक्लिटैक्सल, 5 फ्लूरोयूरासिल, विनक्रिस्टिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। तो किसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था? एंटी कैंसर ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज। तो ये हमने देखा था अजाथियोप्रीन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन के बारे में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजाथियोप्रीन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज एंड ये होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास के प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्लास में आते हैं अजाथियोप्रीन, मर्कैप्टोप्यूरिन। ये पैक्लिटैक्सल एंड डॉक्सेटाक्सेल होते हैं एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। 5 फ्लूरोयूरासिल पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथोट्रेक्सेट इनिबिट्स डायहाइड्रोफोलेट सिंथेस, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट सिंथेस। तो मेथोट्रेक्सेट होता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आता है एंटी मेटाबोलाइट्स के फॉलेट एंटागोनिस्ट क्लास में। ठीक है, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस इनिबिटर कौन सा होता है? फ्लूरोयूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी इज सिस्प्लाटिन, क्लोराम्ब्यूसिल, मेथोट्रेक्सेट, ब्लियोमाइसिन। तो किसके बारे में देखा था मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? सिस्प्लाटिन, ऑप्शन ए। Then most nephrotoxic drug cisplatin and cisplatin has mechanism like alkylating agents. ठीक है, then इनमें से कौन सा है अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड? तो ये होता है क्लोराम्ब्यूसिल। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है, अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। मेथोट्रेक्सेट एंटी मेटाबोलाइट, ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज अजाथियोप्रीन, ब्लियोमाइसिन, क्लोराम्ब्यूसिन, लेट्रोजोल। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया अल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या आता है, क्लोराम्ब्यूसिल, देन साइक्लोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, मेल्फेलन, कार्मुस्टिन आता है, लोमुस्टिन आता है, थियोटेपा आता है, ब्यूसल्फान आता है, डकारबेजिन आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजाथियोप्रीन किस में आता है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है अजाथियोप्रीन। ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है। लेट्रोजोल एनास्ट्रोजोल एरोमेटेज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनिबिटर्स एक्सेप्ट विनब्लास्टिन, सिस्प्लाटिन, पैक्लिटैक्सल, डोसिटैक्सल। इनमें से कौन सा माइटोटिक इनिबिटर्स नहीं है? तो माइटोटिक इनिबिटर्स में हमने देखा था पैक्लिटैक्सल, डॉसिटैक्सल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिस्प्लाटिन माइटोटिक इनिबिटर्स में नहीं आता। सिस्प्लाटिन आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। देन इट हैज़ मैक्सिमम मिमेटिक एक्टिविटी। पैक्लिटैक्सल एंड डॉसिटैक्सल होते हैं एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स। ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनकैल्कोलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय ब्यूसल्फान, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्लियोमाइसिन। कौन कॉज कराता है फॉलेट डेफिशिएंसी? तो ये होता है मेथोट्रेक्सेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेथोट्रेक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है मेथोट्रेक्सेट। ये होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। देन ये होता है फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, बिकॉज इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ। देन एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स इंक्रीज कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विद मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, ब्यूसल्फान होता है अल्काइल सल्फोनेट, अल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में आता है। साइक्लोफोस्फामाइड नाइट्रोजन मस्टर्ड, अल्काइलेटिंग एजेंट होता है ये भी। ब्लियोमाइसिन होता है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।